पासपोर्ट दिया जाता है उसमें पूरा अधिकार जो है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को है। पुलिस का काम वेरिफिकेशन करने का होता है। पुलिस के पास वेरिफिकेशन के लिए जब ये 18 तारीख को ये उनको उसके बाद रेफर किया गया 18 तारीख के बाद, तो पुलिस ने इस मामले में जांच की और जिस जगह की वेरिफिकेशन के लिए कहा गया था उसमें रूल ये है कि एक साल से आदमी वहाँ रहना चाहिए लास्ट वन ईयर में, तो लास्ट वन ईयर से तन्वी सेठ जी वहाँ नहीं रह रही थी। वो उनका एड्रेस जो पूछताछ में लोगों ने बताया वो नोएडा का था, तो इस संबंध में हम लोगों ने रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को पुलिस की जो रिपोर्ट जाती है वो भेज दी है कि विगत एक वर्षों में वो यहाँ लगातार नहीं रह रहे थे, वो नोएडा रह रहे थे और वहीं पर वो कोई काम। सर अगर देखा जाए तो जो शायद जहाँ तक मुझे मालूम है कि पासपोर्ट के जो रूल्स हैं उसमें जो भी अप्लाई करता है उसको कम से कम एक साल तक वहाँ पर रहना होता है, अब आपके मुताबिक एक साल से वो लखनऊ में नहीं रह रही हैं, तो क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो सकती है पुलिस की तरफ से? नहीं, पुलिस को इसमें कोई कार्रवाई नहीं करना, पुलिस इसमें रिपोर्ट को भेज देगी, ओरिजिनल पासपोर्ट ऑफिस तय करेगा, वो उनकी जाँच नोएडा से कराएगा या जहाँ भी वो अपना एड्रेस देंगे वहाँ से वो जाँच कराएगा, पासपोर्ट उनको लगेगा पासपोर्ट इशू करना है इशू करेगा, उनको लगेगा कि जो भी सही गलत गुण दोष के आधार पर पुलिस कार्रवाई रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पुलिस कार्रवाई।